सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो DULLB की इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मीडिवल हिस्ट्री में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज वी हैव ऑलरेडी डन द इनिशियल 30 क्वेश्चंस, वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड फ्रॉम 31st। सो अगला क्वेश्चन, जैसा आप देख सकते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ दाग। दाग किसको बोला जाता था? हॉर्स के ऊपर ब्रांडिंग होती थी। ब्रांडिंग कैसे की जाती थी? एक गर्म लिक्विड में लोहे को डालकर उस पर नंबर होता था और उसको घोड़े के ऊपर चिपका देते थे। तो एकदम खोलता हुआ जो लिक्विड था वो जब घोड़े के स्किन पे लगता था तो वो बर्न हो जाती थी स्किन, और उस जगह पर एक दाग बन जाता था। तो उसको ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स, कि हॉर्स का काउंट, इससे हमको पता रहे, ये एक सिस्टम रहा। एंड चेहरा, डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स की शक्ल को आइडेंटिफाई करने का एक सिस्टम था चेहरा, सो दैट किसी भी तरीके की जो स्पाइज हैं या जो एस्पियनाज करने वाले सोल्जर्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, इसके लिए चेहरा सिस्टम था। और ये दोनों ही सिस्टम इंट्रोड्यूस करने वाला रूलर था अलाउद्दीन खिलजी। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हु विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द स्पेशल पोस्ट क्रिएटेड बाय अलाउद्दीन खिलजी फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू यानी कि टैक्सेस वगैरह जो कलेक्ट करने के लिए एक स्पेशल पोस्ट क्रिएट की गई थी, जिसको हम मुस्तखराज बोलते थे। तो मुस्तखराज जो होता था वो, उसका काम क्या होता था? रेवेन्यू या टैक्सेस को कलेक्ट करना। शहनाए मंडी जो आप देख रहे हैं, ये भी एक अलाउद्दीन खिलजी ने ही इंट्रोड्यूस किया था, और दीवान रियासत भी, दोनों ही पोस्ट जो थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था। दीवान रियासत, जहाँ पर भी वर्ड आएगा रियासत, इसका मतलब हो गया एम्पायर। दीवान का मतलब समथिंग रिलेटेड टू पैसा, फाइनेंस, तो पूरे एरिया का फाइनेंस मिनिस्टर। शहनाए मंडी, शहनाए मंडी क्या होता था? मंडी में जो एक ऐसा ऑफिसर जो रेट्स वगैरह जो प्रोडक्ट के हैं, कमोडिटी का रेट्स है, उसको मेंटेन करे कि कोई भी एक बहुत एक्सेसिव ऑफ इन्फ्लेशन वहाँ पर ना आए, इस चीज़ को मैनेज करने के लिए शहनाए मंडी होती थी। तो शहनाए मंडी एक ऑफिसर हो गया, दीवान रियासत हो गया, एंड मुस्तखराज हो गया। अलाई दरवाज़ा, द एंट्रेंस गेट ऑफ कुतुब मीनार वॉज बिल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर इन 1311 AD। अलाई दरवाज़ा, अलाई वर्ड से जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं आप उसके साथ अलाउद्दीन खिलजी को याद रखिएगा, चाहे फिर वो अलाई मीनार हो, चाहे अलाई दरवाज़ा हो, चाहे हौज़े अलाई हो, ये सभी कुछ बनवाने वाला रूलर वॉज अलाउद्दीन खिलजी। तो ये अलाई दरवाज़ा इज़ द एंट्रेंस टू कुवत उल इस्लाम मॉस्क। वो कुतुब मीनार के सामने तो है, वहीं पर आपको मिलेगा कुतुब मीनार के एकदम अपोजिट साइड, अपोजिट टू दैट ऑफ कुतुब मीनार इज कुवत उल इस्लाम मॉस्क। तो उस कुवत उल इस्लाम, इस्लाम की ताकत दर्शाने वाला मस्जिद, जिसको कई सारे हिंदू मंदिर और जैन मंदिरों को तोड़कर वहाँ पर बनाया गया था। ये आप ASI का वहाँ पर प्लाक लिखा है, उस पर सारे डिटेल्स लिखे हुए हैं। तो वही कुवत उल इस्लाम का जो एंट्री गेट था, दैट वॉज कॉल्ड अलाई दरवाज़ा। बनवाने वाला कौन? अलाउद्दीन खिलजी। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक रिटन बाय आमिर खुसरो रिकॉर्ड्स अलाउद्दीन्स कंस्ट्रक्शन वर्क, वॉर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो आमिर खुसरो कौन थे? आमिर खुसरो पर्सियन उर्दू के बहुत बड़े जानकार, और कई वजहों से इसको हम जानते हैं। आमिर खुसरो को हम जानते हैं उनकी किताब के लिए जिसका नाम है लैला मजनू। आमिर खुसरो को तूता हिंद बोला जाता है, यानी पैरट ऑफ इंडिया कहा जाता है। आमिर खुसरो को ही फादर ऑफ मॉडर्न उर्दू लैंग्वेज कहा जाता है, जो आज के दौर में उर्दू बोली जाती है, उसका एक काफ़ी बड़ा क्रेडिट उनको भी दिया जाता है। फादर ऑफ कव्वाली भी इन्हीं को कहा जाता है। कव्वाली इज़ अ फॉर्म ऑफ म्यूज़िक, सूफ़ी संगीत जैसा ही होता है, और सूफ़ी के लिए भी इनको बहुत प्रेज़ किया गया है। ओवर एंड अबव, सितार और तबला, इस दो के भी, ये दो जो म्यूज़िकल इक्विपमेंट है, इसका भी एक कह सकते हैं आप मॉडिफाइड इक्विपमेंट इसका आमिर खुसरो ने बनाया था। तो इन सभी वजहों से आमिर खुसरो को जाना जाता है, और साथ ही साथ कुछ किताबें जो उन्होंने लिखी। तो अगर हम उनकी बुक की बात करते हैं, तो खाज़ा इन उल फुतह जो थी वो एक किताब है, जिसमें सारे के सारे कंस्ट्रक्शन जो अलाउद्दीन खिलजी के समय पर हुए, चाहे फिर वो अलाई मीनार हो, अलाई दरवाज़ा हो, हौज़े अलाई हो, हौज़ खास, हौज़े काजी बोलते हैं जिसको हम, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स उसी के समय पर जो बने, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया, और उसको इन्होंने एक नोट के रूप में किताब में अकाउंट किया।
विच अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज मर्डर्ड बाय हिज स्लेव जनरल खुसरो खान, इनमें से किसको उसके खुद के जनरल ने मार दिया, खुद के स्लेव ने मार दिया। तो मुबारक खान एक ऐसे राजा रहे जिनको खुसरो खान ने मार दिया था। ये सुल्तान खिलजी वंश के ही थे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट किंग ऑफ खिलजी डायनेस्टी? सो अगेन क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल। सो मुबारक खान को मारने के बाद खुसरो खान रूलर बना, और खुसरो खान के मरने के बाद गाजी मलिक ने एम्पायर को ख़त्म कर दिया खिलजीज को। तो आंसर हो जाएगा आपके पास यहाँ पर खुसरो खान। विच अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑफ तुगलक वंश टुक द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेप ऑफ ट्रांसफरिंग द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवागिरी? किस तुगलक वंश के राजा ने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया था दिल्ली से देवागिरी? बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन माना गया है। दिल्ली उस दौर में एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा टेरिटरी था, और यहाँ से शिफ्ट करके कैपिटल देवागिरी ले जाना, देवागिरी आज का या उस दौर में इसका नाम बदल दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, इस जगह को दौलताबाद कहा था, दौलत से आबाद इस दौलताबाद, महाराष्ट्र में ये जगह पड़ती देवगिरी, देवों की नगरी उस देवागिरी। तो ये कैपिटल शिफ्ट किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, और भी इसके कई सारे ऐसे फैसले थे जो गलत साबित हुए, चाहे फिर वो करचील का एक्सपेडिशन हो, चाहे खुरासन का एक्सपेडिशन हो, और साथ में सिल्वर और कॉपर का एक रेट फिक्स करना हुआ। इस वजह से इसको पागल पादुशाह या पागल बादशाह भी कहा जाता है, इल स्टेयर्ड आइडियलिस्ट इसको नाम दिया गया है मोहम्मद बिन तुगलक को। और ये इल स्टेयर्ड आइडियलिस्ट मोहम्मद बिन तुगलक को जिसने कहा, उनका नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता आए थे मोरक्को से, मोरक्को से यानी अफ्रीका से ही ट्रैवल टू इंडिया, और उन्होंने किताब लिखी जिसको हम रेहला के नाम से जानते हैं। रेहला बेसिकली इज़ आप कह सकते हो आइटर्नरी या एक ट्रैवलॉग कह सकते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग सल्तनत रूलर डाइड इन थट्टा वाइल कैंपेनिंग इन सिंध अगेंस्ट तागी अ तुर्किश स्लेव? थट्टा या थाता, ये थट्टा वर्ड का मतलब ही होता है नदी किनारे, तो ऐसे सेटलमेंट जो नदी के किनारे बनते हैं उसको थट्टा बोलते हैं, जैसे थट्टा पानी आपने सुना होगा। तो इनमें से किस सुल्तान की मृत्यु थट्टा में हुई जब वो सिंध के अगेंस्ट, सिंध के रीजन में तागी के अगेंस्ट कैंपेन कर रहा था, जो कि एक तुर्किश स्लेव था, बाद में आगे चलकर रूलर बना। तो जिस राजा की हम बात कर रहे हैं, जिस सुल्तान की, वो वही पागल बादशाह है यानी मोहम्मद बिन तुगलक। ये जो जगह, जिस शहर की यहाँ बात हो रही है थट्टा, ये आज पाकिस्तान के सिंध का हिस्सा है, और जाना जाता है अपने इस्लामिक आर्किटेक्चर्स के लिए, स्पेशली द शाहजहाँ मॉस्क, शाहजहाँ मस्जिद के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है दीवान ए कोही। अ न्यू डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वॉज क्रिएटेड बाय द रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी? दीवान ए कोही इनमें से किसने शुरू किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको शुरू किया था, तो डायनेस्टी मोहम्मद बिन तुगलक की थी, तुगलक वंश या तुगलक डायनेस्टी। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत मेड इक्तेदारी सिस्टम हेरिडिट्री? इक्ता सिस्टम या इक्तेदारी सिस्टम क्या होता था? जो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में काम करते थे, सोल्जर्स जो होते थे, जो एक टेरिटरी को गवर्न कर रहे होते थे, जिसको बाद में सूबा कहा गया, पहले उसको इक्ता बोलते थे। इक्ता वो ज़मीन हो गई जो किसी पर्सन को एज अ सैलरी दी गई है, उस पर जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो उसकी सैलरी हो जाएगी, और ये सिस्टम जो रहा इक्ता का, उसको बोला जाता था इक्तेदारी सिस्टम। तो ये इक्तेदारी सिस्टम वैसे तो कईयों के समय पर चला है, बट अगर हम कहें कि हेरिडिटरी सक्सेशन के रूप में इसको किसने प्रपोज किया, दैट वाज फिरोज शाह तुगलक। तुगलक के समय पर ये इक्तेदारी सिस्टम जो था वो हेरिडिटरी सक्सेशन के रूप में चल रहा था। Which of the following ruler of the Tughlaq dynasty was a great builder and the cities of Fatehabad, हिसार, जौनपुर एंड फिरोज़ाबाद स्टैंड्स टू हिज क्रेडिट? तो फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोज़ाबाद, ये सारे शहर बनाने वाले रूलर का नाम था फिरोज शाह तुगलक। तो इसने अपने भाई के नाम पर जौनपुर का नाम दिया है, जौना ये नाम था मोहम्मद बिन तुगलक का, ही वॉज अ कज़न ब्रदर ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। तो तुगलक के मरने के बाद जब ये रूलर बना तो इसने अपने भाई के नाम पर जौनपुर नाम रखा, जौना नाम था उसका बचपन का, मोहम्मद बिन तुगलक का।
बाकी फिरोज़ाबाद खुद फिरोज शाह तुगलक के ही नाम पर है, एंड देन हिसार एंड फतेहाबाद, ये इसने रूल इसने अपनी टेरिटरी बनाई थी, ये सिटीज़ बनाई थी। दीवान ए खैरत, अ न्यू डिपार्टमेंट वॉज सेट अप टू मेक प्रोविजंस फॉर द मैरिज ऑफ पुअर गर्ल ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ, तो जो गरीब मुस्लिम फीमेल्स होती थी उनकी शादी के लिए दीवान ए खैरत, दीवान ए खैरात बोलते हैं इसको, वैसे इंग्लिश में इसको खैरत लिखते हैं, तो खैरात दीवान उल्टा पढ़ा जाएगा, तो फाइनेंस मिनिस्टर जो खैरात पैसों का हिसाब किताब रखे, खैरात में जो चीज़ें मिलती हैं वो, तो ये फिरोज शाह तुगलक ने एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाया था। आमिर तैमूर, जिसको हम तैमूर के नाम से भी जानते हैं, तैमूर लांग बोला जाता है, अ टर्किश चीफ एंड क्रूअल कॉन्करर फ्रॉम मंगोलिया इन्वेडेड इंडिया इन 1398 ड्यूरिंग द रिजीन ऑफ, किस राजा के समय में तैमूर जो कि एक तुर्किश चीफ था उसने इंडिया को इन्वेड किया। तो मोहम्मद शाह तुगलक के समय पर तैमूर का इंडिया में इन्वेजन हुआ था, जिसको रेजिस्ट कर लिया था मोहम्मद शाह तुगलक ने, ये केबीसी में भी आया हुआ क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग कैप्चर्ड दिल्ली ऑन 28 May 1414 देयर बाय एस्टैब्लिशिंग द सैयद डायनेस्टी, सैयद वंश की शुरुआत जिसने की, बस वही एक बड़ा रूलर रहा, सैयद डायनेस्टी बहुत थोड़े टाइम तक लास्ट की थी, 1414 में डायनेस्टी बनी और 1451 में डायनेस्टी ख़त्म हो गई, सो ओवरऑल अगर हम कहें तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 37 ईयर्स तक रूल किया है। उन 37 ईयर्स में खिज़र खान जो पहला फाउंडर भी रहा और जो इस डायनेस्टी का सबसे बड़ा रूलर रहा, उसी का टाइम पीरियड भी सबसे लंबे समय तक रहा था। मुबारक शाह हु वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट विजन केम टू द थ्रोन इन विच ईयर, मुबारक शाह किस साल में राजा बना, 1421 में राजा बना था, मुबारक शाह भी ज़्यादा समय तक रूल कर नहीं पाया था। हाँ विजन ज़रूर था बट उस विजन का कोई फ़ायदा नहीं जहाँ पर एग्जीक्यूशन ही ना हो। हु अमंग द फॉलोइंग वाज़ द नेफ्यू ऑफ मुबारक शाह हु एसीडेड टू द थ्रोन विद द हेल्प ऑफ सरवार उल मुल्क, सरवार उल मुल्क की मदद से इनमें से कौन सा रूलर राजा बना, तो मोहम्मद शाह जो था उसको मदद की थी सरवर उल मुल्क ने और फिर इस टेरिटरी को रूल करने में फर्दर फिर एम्पायर्स को दिया। अगेन ये सर्वाइव ज़्यादा समय तक किए नहीं थे क्योंकि बहुत ही जल्द फिर लोदीज़ ने इनके ऊपर अटैक कर दिया और जब लोदीज़ ने अटैक किया तो सिकंदर सबसे पहले बहलोल लोदी जो था वो 1451 में रूलर बन गया, बहलोल के बाद फिर सिकंदर लोदी और अल्टीमेटली लास्ट में इब्राहिम लोदी आया। इब्राहिम लोदी की लड़ाई फिर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में 1526 में हुई बाबर के अगेंस्ट और वहाँ से फिर मुगल एम्पायर का ओरिजिन हो गया। हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द अफगान सरदार एंड द फाउंडर ऑफ लोदी डायनेस्टी, शुरुआत के जो हमने एम्पायर्स पढ़े चाहे फिर वो स्लेव डायनेस्टी रही हो, चाहे आपके खिलजीज रहे हों या सैयद रहे या तुगलक्स हुए, ये सभी डायनेस्टीज जो थी इसमें तुर्क आपको ज़्यादा देखने को मिलता, फरगना से आए हुए तुर्क तरफ से आए हुए, मंगोलियंस आगे चल कर आए, इन बिटवीन अफगान भी रूलर बने और जो अफगान डायनेस्टी पहली दिल्ली सल्तनत में आई थी वो थी आपकी लोदी डायनेस्टी जिसके फाउंडर रहे बहलोल लोदी, फिर आए सिकंदर एंड देन इब्राहिम, एक बहलोल का बेटा वाज सिकंदर, सिकंदर का बेटा इब्राहिम लोदी। हु अमंग द फॉलोइंग कैप्चर्ड दिल्ली ऑन 28 मे देयर बाय एस्टैब्लिशिंग, तो हमने भी पढ़ लिया है, ठीक है। Which among the following Lodi ruler introduced Ghazi Sikandari for measuring the cultivated field? Ghazi Sikandari इनमें से किसने शुरू किया जो cultivated land का एक system था cultivated field को measure करने का, तो it was started by Sikandar Lodi. Which Sultan of Delhi Sultanate broke the sacred image of Jwalamukhi Mandir at Nagkot and ordered the temples of Mathura to be destroyed? वैसे तो इस तरीके के बहुत सारे rulers रहे जिन्होंने सारे मंदिर तोड़े हैं, चाहे फिर वो काशी विश्वनाथ रहा हो, चाहे सोमनाथ रहा हो, या ममलेश्वर ओमकारेश्वर हो, चाहे आपका उज्जैन महाकालेश्वर रहा हो, या नगरकोट का मंदिर ज्वालामुखी मंदिर हुआ, या और भी कई सारे कश्मीर में जैसे अगर हम कहें तो हमारे पास मार्तंड सूर्य मंदिर हुआ,
ये सारे मंदिरों को तोड़ दिया गया। इवन पाकिस्तान में कई सारे शक्तिपीठ थे जिनको अलग अलग समय पर तोड़ा गया है। तो ज्वालामुखी का मंदिर कई राजाओं ने तोड़ा है, लेकिन इन चार ऑप्शंस में अगर हम देखें तो इट वॉज सिकंदर लोधी जो सबसे फनाटिक माना गया है, और उसने ही ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ा था जब उससे ज्वाला देवी का वो जो लौ जो जलती रहती है वो अखंड ज्योति जब नहीं बुझी तो उसने उस मंदिर को तोड़ दिया था। ऐसी ही कोशिश अकबर ने भी की है आगे चलकर। सो 50 क्वेश्चंस का सेट हमने कंप्लीट कर लिया है। इन दी नेक्स्ट वीडियो वी विल मूव फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, हम आगे बढ़ेंगे और करेंगे मीडिएवल हिस्ट्री को कंटिन्यू। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।